अगर कर्मचारी रहते वहां सफाई कर्मचारी रहते जितने कागज पर हैं, तो वो तुरंत देखता उसको और उस पर तुरंत गर्दा माटी बालू डाल करके पहले उसको बुझा देता तब सूचना देता। जिंदाबाद जिंदाबाद दोनों हाथ उठा करके आओ जो जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। साहब आ करके उन्होंने बताया है कि सीजन साहब से बातचीत हो गई है और कोलर्निंग के साथियों को काम पर वापस लिया जाए। साथियों बाकी और जो हमारे साथी बचे हैं एयर कंडीशनिंग के हमारे साथी बचे हैं उनकी बात हम लोग जाएंगे बात करेंगे उनको भी तत्काल। कुछ साथी जब अभी ड्यूटी में जाएंगे तो ठेकेदार भी हाजिरी काटेगा, वही घेर लीजिएगा ठेकेदार को। सिफारिश तो मैं करता रहता हूँ, सिफारिश अभी भी कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ठेकेदारों से, लेकिन हमको लगता है कि रिक्वेस्ट करने का असर उतना असरदार नहीं हो रहा। जो ठेकेदार आज की हाजिरी खटे, आज नहीं तो कल उसका घेराव हो जाना चाहिए, चाहे उसके घर पर चल के घेरना पड़े। किसी को भी कायदे से शांति पूर्वक तब तक नहीं रहने देंगे जब तक कि सबको शांति। आज मंत्राणी जी आने वाली है, मंत्राणी जी आज आने वाली हैं, ये हम लोगों को नहीं मालूम था जब नोटिस दे रहे थे। सुना है कि आज मंत्राणी जी आएंगी, चलिए चुने। करीब 100 कर्मचारी को अचानक बाहर कर दिया गया था कोल हैंडलिंग बीटीपीएस से, जो बिल्कुल अन्यायपूर्ण था। रनिंग मेंटेनेंस का काम चल रहा और सफाई के मजदूरों को हटा दिया जाए, ये कहीं से उचित नहीं था। आप सब लोग जा करके देख सकते हैं कि कोल हैंडलिंग में कितनी गंदगी भरी हुई है, उसको अगर साफ नहीं किया गया तो कोल हैंडलिंग में बेल्ट में भी आग लग जाएगी। इसलिए सफाई कर्मचारियों को नौकरी से हटाना न्यायोचित नहीं था, इसलिए आंदोलन था। और बीटी जो ओबरा सी है उसमें न तो कैंटीन की व्यवस्था है, न लैट्रिन की व्यवस्था है, न रेस्ट रूम की व्यवस्था है और न स्वच्छ जल की व्यवस्था है। बिजली कर्मचारी संघ लगातार मांग करता चला रहा है, लेकिन प्रशासन के कानों पे जू नहीं रेंग रहा है। इसके लिए भी आगे आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो किया जाएगा। और जो 25 तारीख से कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं पूरे प्रदेश के पुरानी पेंशन नीति के पक्ष में, उस आंदोलन को भी बिजली कर्मचारी संघ का पूरा समर्थन है। 26 तारीख को जो बिजली कर्मचारी संघ ने अकेले धरने का प्रांतव्यापी आंदोलन रखा था, उसमें ओबरा और अनपरा को अलग कर दिया गया है, उस आंदोलन को से अलग कर दिया गया है, इसीलिए आज गेट में